जय हिंद आई वेलकम यू ऑल सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस अपने रुस्तम के एक यूट्यूब सीरीज के अंदर देखो अब जो घड़ी आ चुकी है ऐसी कि जिसमें आप जितना आखिर में मेहनत करोगे आपने इसके पहले क्या किया क्या नहीं किया आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा लड़ाई वही होती है जब आखिरी जब देखोगे कि बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़, लड़ी लड़ी गई हैं बहुत सी ऐसी इतिहास में लड़ाइयाँ हैं जिनके शुरुआत के परिणाम अच्छे रहे हैं या फिर किसी के पक्ष में रहे हैं लेकिन यह मैटर नहीं करता कि शुरुआत में परिणाम कैसा था पहले परिणाम कैसा था परिणाम परिणाम होता है और आखिर की चीजें दिखी जाती है कि आखिरकार क्या होता है और आखिरकार का मतलब मेरा यह है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं एनडीए और सी के उसमें आखिर में आप क्या करते हैं ये आपके रिजल्ट तक पहुंचाने का काम करेगा हम सभी एक साथ जमा हुए हैं इस जानकारी के साथ कि आप आखिर समय में कैसे काम करोगे आप रिएक्ट कैसे करोगे प्रैक्टिस कैसे करोगे क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग से सारी चीजें पढ़ाई और फिर बाद में कहा कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो बहुत सारे बच्चों ने वैसेज करा कि सर प्रैक्टिस करे तो करे कहाँ से कैसे करें क्या करें कौन से क्वेश्चन लगाए कौन से क्वेश्चन को स्किप करे तो आपके पास क्या है ना कि आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाते हो कि क्वेश्चन के सलेक्शन कैसे हो कौन से रखे जाए कौन से बाहर करे जाए तो आप परेशान नहीं होना है आपके हर मर्ज की सिर्फ एक दवाई है और जितने आपके तकलीफ होंगे उन हर तकलीफों का इलाज हमारे पास है के के अंदर है आप सभी लोगों को करना क्या है कि एक तरीके से रिलाई कर लेना है और आपको जो कॉपी पेन लेके बैठो आपको सेट मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट्स मिल जाए करेगा उन प्रैक्टिस सेट्स को लगाना है कैसे होगा क्या होगा इन सारी चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या होगा कैसे होगा एक एक करके हम बात करते हैं देखो पहली बात रुस्तम जो है अपना ये रुस्तम सीरीज जो है इसकी खास बात क्या है खास बात ये है कि बच्चे जो सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाते हैं और उन सेलेक्टिव क्वेश्चन अगर कहीं पर कराया जाता है तो उसकी मोटी मोटी फीस ली जाती है अलग लेवल पर उस चीज़ को जो है दिखाया जाता है शो किया जाता है कि ये है बच्चों के लिए लड़का जो है अब बेचारा भला बुरा जिसके पास पैसा है वो तो दस कोर्स खरीद लेगा लेकिन जो मान के चलो कि ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके पास पैसे की इतनी तंगी है कि वो चाह के भी नहीं ले सकते मन तो है इच्छा तो है कि हाँ हम बैच पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं लेकिन कुछ चीजों की वजह से है ना कि सलेक्शन मतलब नहीं हो पाता है और वो कही न कहीं ना कहीं कारण एक प्रैक्टिस का है प्रैक्टिस को कैसे करना है प्रैक्टिस को कैसे लगाना है प्रैक्टिस सेट्स कैसे लगाने हैं इन सारी चीजों के लिए हम आपके सामने एक साथ जमा हुए हैं एक एक चीजों के बारे में हम बारीक से बात करेंगे ये पूरी हमारी भारी भरकम टीम आपके साथ है मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं मैं ये इतने लोग हैं ना इनकी दुआओं का काफिला चलेगा आपके साथ आप डेली हमेशा याद रहे कि कल से, मैं कल से से मंडे की बात कर रहा हूं और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी तो सर क्या 20 मिनट पढ़ेंगे आधे घंटे पढ़ेंगे एक घंटा पढ़ेंगे दो घंटा पढ़ेंगे करेंगे क्या बच्चे कहते हैं सर महामैराथन महामैराथन चल रहा है हम डेली महामैराथन लगाएंगे एक तरीके से कहा जाए कि अगर आपकी क्लास पांच से छह घंटा डेली चल रही है तो उसका दूसरा नाम क्या होगा महामैराथन हम डेली ऐसे महामैराथन से गुजरना पड़ेगा आपको अब बात यह आती है कि सर इसका तरीका क्या रहेगा एक सब्जेक्ट पर कितना हम टाइम देंगे एक सब्जेक्ट पर हम कितना फोकस करेंगे आपको फोकस करना है एक एक सब्जेक्ट पर एक एक दिन जैसे होता है क्या कि आप एक दिन फिजिक्स पढ़ लिए आपने एक दिन फिजिक्स पढ़ा फिर अगले अगले दिन अब फिजिक्स तो पढ़ लिया है पांच छह घंटे में बहुत सारी चीजें सीखी है मतलब एक तरीके से मिसिलीनियस है वन शॉट का प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट जो आप लगाते हैं उसका ये सारी चीजों का एक साथ मिसलिनियस है ये इन सब का एक कॉम्बो रूप है कि आप जो है आप जो जितने सारे क्वेश्चन हैं चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो चाहे वो मॉक टेस्ट वाले बनाए गए हो जितने सारे हैं आप डेली उसको पढ़ोगे आप डेली उसको समझोगे और सिर्फ ये अंग्रेजी मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए नहीं है आपके एग्ज़ाम एक मैथ सेक्शन है मैथ्स के सारे क्वेश्चंस, और गेट सेक्शन है उनके सारे क्वेश्चंस। तो एक एक चीज़ के बारे में हम समझेंगे विस्तार से मैं आमंत्रित करूंगा रवि सर को और प्रशांत सर को कि आए और सारी बातों को एक एक करके समझाते रहे कि सर कब क्लास अपनी लगाएंगे कब जो है रवि सर हम सबके चहीते आइंस्टाइन ऑफ फिजिक्स और हमारे प्रशांत सर जो मैथमेटिक्स के खलीफा तो ये आपको बताएंगे अभी की क्या क्या बातें हैं और बाकी जो भी सर लोग हैं वो आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाएंगे बाकी देखो पूरी भारी भरकम टीम है तो सभी लोग बताएंगे एक एक करके और एक एक करके हम बात करेंगे एक एक तरीके से सारी चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और क्या कैसे होगा शुरुआत क्या होगा बीच में क्या होगा और आखिरी में क्या होगा एक एक करके हम समझते हैं रवि सर से चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बैच के बारे में जानकारी दे कि बच्चों का कब से क्या होगा कैसे होगा जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन देखो यार मैं बहुत सारी कमेंट आपकी देख रहा हूँ आपके अंदर एक्साइटमेंट भी है इस बैच को थोड़ी सी बात सर ने हालांकि सब कुछ बता दिया है लेकिन थोड़ी सी बात आपको मैं बता दू ये बैच मैराथन टाइप होगा मतलब जैसे मान लो सर की क्लास है कल आ, सर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मंडे को सर की क्लास है तो वो वन शॉट टाइप होगा मतलब थ्योरी के साथ क्वेश्चंस कंप्लीट थ्योरी कराएंगे और फिर क्वेश्चन जैसे मैंने कोई चैप्टर कराया मान लो सर्कुलर मोशन कराया सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने कराया तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहा हूंगा, तो कंप्लीट थ्योरी कवर कराऊंगा साथ में पीवाई क्यू सारे एकदम एनडी ओरिएंटेड होगा ये जो सेशन है पूरा का पूरा रुस्तम जो बैच है एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए है यहां पर एनडीए के लिए टीचर्स अपने अलग है सीडीएस के लिए टीचर्स अपने अलग हैं जैसे मैं एनडीए में पढ़ाऊंगा बाकी सर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री सीडीएस के लिए अलग है तो सीडीएस के लिए क्लासेस अपनी अलग चलेंगी एनडीए के लिए अलग चलेंगी अलग अलग टीचर के साथ ठीक है तो यहाँ सा बता दू आपको कौन कौन सर आपको क्या पढ़ाएंगे बाकी इस क्लास में आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि आ, आगे आने वाले जो बैचेज हैं ऑफलाइन बैच कब आएगा है ना किस किस सिटी में ऑफलाइन बैच आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फ्री होने जा रहा है कहां होगा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन कैसे होगा वो सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे साथ में ये भी मैं बताऊंगा आपको कि एक इंटरव्यू का जो बैच है जो चल रहा है अभी वो कब होगा कैसे होगा बहुत सारी बातें हम इस बैच में करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बाहरी भरकम टीम है यानी तेरह से चौदह लोग करीब आपके सामने हैं जो आपको कंप्लीट पढ़ाने जा रहे हैं देखो मैं लेफ्ट साइड स्टार्ट कर देता हूं इधर रुचिर सर है ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे है ना राइट right? और साथ में प्रियांशु सर भी हैं वो भी इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे और इधर यह है सुखेश सर आपको बेटा पढ़ाते हैं। सर बहुत ये आपको सीडीएस के लिए मैथ्स कवर कराएंगे एडवांस मैथमेटिक्स इसके बाद आर्या मैम करंट अफेयर डिफेंस की जितनी भी जानकारी होती है आर्या मे देती हैं अमरेन सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हिस्सा कवर कराऊंगा एनडीए के लिए इसके बाद प्रियांशु सर आपको इंग्लिश कवर कराएंगे प्रशांत सर को तो आप सब जानते ही हैं सर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे इंडिया के लिए और इसके बाद मैम है मैम आपको बायोलॉजी का सेक्शन कवर कराएंगी अमृता मैम और इसके बाद सर है नीरज सर नीरज सर आपको मैथमेटिक्स यानी अर्थ मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे सी के लिए और इसके बाद आशीष चमोली सर आपको ये जियोग्राफी कवर कराएंगे राइट और इसके बाद ये सर है सर आपको कवर कराएंगे सी के लिए सुख, सुखें और ये सीडीएस के लिए आपको कवर कराएंगे साइंस वाला हिस्सा साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का हिस्सा तो बाहरी वर्कम टीम है आपको एक लग गया होगा कि सीडीएस और इंडिया के लिए अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ाने जा रही है हम कंटिन्यू कैसे करेंगे हम यहां पर मैं अप, अपनी बात करूं कोई भी टॉपिक मैंने कोई भी एक चैप्टर होगा एक दिन में खत्म होगा मतलब ये वो अगले दिन तक नहीं जाएगा एक दिन में चाहे वो क्लास चार घंटे की हो या फिर वो तीन घंटे की हो या फिर वो छह घंटे की हो डिपेंड ऑन द चैप्टर थ्योरी के साथ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे दूसरी बात ये अब सर होगा कि कोई और बैच लेने की नीड है क्या कोई बैच आपको एकदम लेने की नीड नहीं है नुस्तम बैच आपकी प्रैक्टिस के लिए सफिसियंट है जो हमारे बैच में है अस्त्र के बच्चे हैं या बाकी और बैचेज में जो है वो आराम से इस क्लास को इंजॉय कर सकते हैं यहां प्रैक्टिस कंप्लीट होगी थ्योरी के साथ तो ये तो अभी रुस्तम बैच के बारे में जानकारी थी बाकी प्रशांत सर से आप बात जय हिंद एवरीवन आ, सारी इन्फॉर्मेशन तो सर ने दे दी अब मेरे लिए देने को कुछ है नहीं ठीक है तो अब जो आपका ये जो बैच है रुस्तम बैच वो काफ़ी आपके लिए आ, लास्ट समय चल रहा है अभी एक महीने मुश्किल से बचें एग्ज़ाम को और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा इससे हो जाएगा आपका क्योंकि तो इतने सारे टीचर्स हैं हमारे और वो जम के मेहनत करेंगे आपके साथ बस आपको भी ये ध्यान रखना है कि आ, साथ साथ में मेहनत करनी है जैसे टीचर्स तो करेंगे आपके लिए पर आपको भी करना है ठीक है मतलब टीचर्स आपके लिए यदि चार घंटे मेहनत करते हैं तो घर पे जाके आप मतलब घर ही पर रहोगे तुम घर पे रहते हुए आपको चार पाँच घंटे और पढ़ना है ठीक है तो ये चीज़ है अपने अपनी क्लास के बारे में आपको बता दूँ तो अभी आप देख रहे हो बीच में कुछ दिन से मेरी क्लास रुकी थी तो वो इसी वजह से रुकी थी आपका कल ही मेरी क्लास होगी एक ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर वन शॉट तो जो मेरी क्लास होगी उसमें आपको वही पूरा जैसा आपने बाकी दो में देखा था वैसे ही दो चैप्टर हो चुके हैं हमारे वैसे ही आगे सारे चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा वन शॉट में जिसमें प्रैक्टिस भी होगी और क्वेश्चन भी कराऊंगा चलिए तो और एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन ठीक है ऑल इंडिया जो टेस्ट सीरीज होगी एनडीए और सीडीएस की ठीक है फ्री होगी और ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको देखने को मिलेगी डेट जो है आपके पास वो इकतीस मार्च है सेवेंथ अप्रैल है और फोर्टीन अप्रैल है ठीक है और जो ऑफलाइन लोकेशन होगा ठीक है जो टेस्ट का ऑफलाइन लोकेशन होगा वो देहरादून होगा ठीक है अब देहरादून तो आप जानते ही हो कितना खूबसूरत शहर है प्रयागराज ठीक है और हमारी ठीक है राजधानी ठीक है मुखर्जी नगर में आपको ये टेस्ट मिलेगा और ये टेस्ट तो आप जानते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद को जज करने के लिए कि भाई हम कितने पानी में हैं ठीक है थीके, कितना हमें ठीक है आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन आप हो आपको कोई पैसा नहीं देना है इसका ठीक है इंफॉर्मेशन गूगल फॉर्म में ठीक है मिल जाएगी बाकी रवि सर बताएंगे इस बारे में आपको बच्चों जो ये फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो हो रहा है इसकी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि कहाँ कैसे आप इसको जान पाएंगे कमेंट सेक्शन में अभी पिन हो जाएगा आप जो इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म आएगा अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन देना चाहते हैं टेस्ट या बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो देहरादून में रहके कहीं भी प्रिपरेशन करते होंगे इवन प्रयागराज हो या फिर दिल्ली मुखर्जी नगर जहां भी आप तैयारी करते हो तो जो बच्चे ऑफलाइन फीलिंग लेना चाहते हैं इस टेस्ट की तो वो क्या करेंगे गूगल फॉर्म आएगा वहां आएगा ऑनलाइन देना चाहते हैं कि ऑफलाइन देना चाहते हैं आप ऑफलाइन को सिलेक्ट करेंगे अब पूछेगा इन तीनों सिटी में से कहा जो भी सिटी आएगी उस पर सिलेक्ट कर देंगे डेट पहला होगा थर्टी फर्स्ट मार्च वाला इकतीस को आप भर देंगे तो सारी जो डिटेल है हमारे पास आ जाएंगी के के पास आ जाएंगी अब इसमें टाइमिंग क्या है कितने बजे होगा ये ये टेस्ट जो है वो कितने बजे होगा ये बड़ा सवाल है तो टेस्ट के लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो आएगा कि कितने बजे होगा ये और 27 तारीख में में टेस्ट के टेस्ट के के ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगा यानी ऑल इंडिया मॉक बारे में जो टाइमिंग की डिटेल है हाँ, है ना सब कुछ सारी डिटेल आपको 27 से अट्ठाइस मान लेता हूं अट्ठाईस के आसपास अट्ठाइस डेट को एक्सैक्ट अट्ठाइस इकतीस को है तो अट्ठाइस से पहले पहले आपके पास एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा टाइमिंग के रिगार्डिंग किस टाइम को क्योंकि आप ऑफलाइन में कितने बजे जाएंगे चलो ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो टाइमिंग वाला जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाता है आपका अट्ठाईस तारीख को एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगी इसके बारे में बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म में आप भर देंगे कि ऑनलाइन है अपना सारा डेटा एग्जैक्ट डेटा आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो फिल करेंगे आप सब कुछ और इसकी प्रॉपर ऑल इंडिया लेवल पर इसकी रैंकिंग आपकी जारी होगी सब कुछ वही एग्जाम ओरिएंटेड होगा जैसे एग्जाम लेता है एनडीए एनडीए कंडक्ट कराता है सीडीएस के लिए जिस तरीके सीडीएस का पेपर होता है ये पूरी इंफॉर्मेशन है बेहतरीन नई चीज आपके लिए लेके आए हैं फ्री ऑल इंडिया कोई भी चार्ज आपको नहीं देना एकदम फ्री है ठीक है बाकी नेक्स्ट है सर सर का बहुत-बहुत धन्यवाद दोनों सरों ने जो आपको बातें बताई थोड़ी सी चीजें आप पैनिक ना हो बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जगह तो बता दी आपने इस जगह पर लेकिन देहरादून कोई छोटा जगह है नहीं बहुत बड़ा एरिया है प्रयागराज कोई छोटी जगह है नहीं बड़ा एरिया है इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं ये 28 तक आपको अवेलेबल हो जाएंगी जगह कौन सा है कि वहां पर ये नहीं फटाक से जुगाड़ लगाने पहुंच जाओ कि कहाँ पेपर हो रहा है पेपर दे दो सारी जानकारियां एकदम समझ लो कि ये इस, 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 इस बताने में हमें कोई बड़ी बात नहीं लेकिन इस चीज को इसलिए बताया नहीं जाता है या फिर आप तक क्योंकि आपके अंदर वो फील आ सके कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है जैसे मतलब ये समझ लेना है आपको कि एक तरीके का कि जैसे एग्जाम देने जाते हो आप

आपके एग्जाम तक तीन ऐसे टेस्ट जो कि आपने डेट देखा थर्टी फर्स्ट सेवेंथ अप्रैल और चौदह अप्रैल ये आपका जो है ऐसे चलता जाएगा और ये तीन सेट लगाने पर आपको ये कम से कम विश्वास हो जाएगा कि ये चीज है जिसे क्या होता है कि एग्जाम हम देने जाते हैं तो एग्जाम देने के बाद आता है अरे यार फिर से तैयारी कर लेता मैं या थोड़ा सा और मैं मेहनत कर लेता एक बार और ये छूट गया ये कमी रह गई वो कमी रह गई जो है ओ एम सीट में थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई चीजों में थोड़ी सी गड़बड़ी रही तो आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे दो तीन बार ना हाँ बिल्कुल मेरा अक, अखंड भारत मैं कहता हूं कोई पाकिस्तान से भी अगर व्यक्ति अगर इससे जुड़ना चाहता है अफगानिस्तान से कोई जुड़ना चाहता है उनका हमारा देश ऐसा है ही वसुदेव कुटुंगम की जो नीति है आप आइए आपका स्वागत है हमारा ना ही किसी ऐसा जो हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं आप कहीं भी हो जिस हाल में भी हो जहां भी हो आपको बस पहुंच जाना है सेंटर तक सेंटर तक पहुंच जाओ फिर आप से कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कहां से हो आप किस जिले से हो किस राज्य से हो आप कहाँ से पढ़े हो आपने के से पढ़ाई करी कि नहीं कोई आपसे नहीं पूछ रहा क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है शिक्षा जो हमें सबको अधिकार मिलता है तो आप ये चीज ले सकते हो आप इसका जो है आ, मतलब आप इसका यूज बढ़िया तरीके से कर सकते हो अब बात रही है टेस्ट सीरीज की टेस्ट सीरीज तीन देना है आपको बढ़िया से उसके लिए तैयार हो जाना है अब बात करते हैं आप जो रिटर्न सिलेक्शन जो आप आ, कर लेते हो उसके बाद बड़ा कम टाइम मिलता है आपको एस पे आप एस में जो आ, कैसे काम करोगे क्योंकि बहुत हाँ वो एकदम समझ लो तुम लोग ये समझना है कि जैसे एग्जाम में आता है सेम वही रहेगा

कि जो सर हैं उनके अंदर जो जी कैसे होता है ग्रुप टास्क कैसे होता है लीडरशिप क्वालिटी कैसे दिखाई जाती है सेना का नेतृत्व कैसे करते हैं ये सर आपको बता देंगे बाकी बात करें जो आईओ जो हमारे आईओ जो, जो सर है वो आपको इंटरव्यू कैसे होगा हाँ जो कि खुद ही सभी लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं का एक्सपीरियंस जो है वो काम आएगा कि फौज में जो अपनी सेवा देके और जो चीज़ सीखे हैं बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ देखी जाती है कैसे सिलेक्शन हो वो सारी क्वालिटीज़ वो सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी है बाकी आप जानते हो साइकोलॉजी के हमारे जो महानायक हैं जो हमारे महागुरु हैं जेबी मोल सर आप जानते हो कि क्या है इनका एक अलग पहचान है तो वो चीज़ आपको मिलेगा हमारी आर्या में करेंट अफेयर्स के साथ साथ आपको डिफेंस से रिलेटेड कि कौन सा अभी जहाज़ जाके पाकिस्तान में बम गिराया है किस जो है जहाज ने एकदम एकदम अपना सबसे ज़्यादा मतलब जो भी डिफेंस से रिलेटेड हो कि जो फौज के अंदर जो चीजें आती हैं वो कैसे होगी क्या होगा किस स्तर पर काम कर रहा है हमारे देश जो है हमारे देश के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट में क्या काम हो रहा है मतलब जो भी सारी चीजें हैं डिफेंस रिलेटेड आ रहे हैं मैं आपको लाके और सारी चीजें ऐसे बता देंगी क्या करना है एस के लिए एस जो है आप जानते ही हो कि इसका भी आ, सेंटर जो है हमारा करोल बाग में जो कि पहले जो बच्चे थे वो जाके वहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं हमने दो तीन बच्चों के जो है वो सिलेक्शन को रिवील भी किया हम लोगों ने बाकी जो बच्चे एस में अगर चाहते हैं एस में तो आप जानते हैं चौदह दिन का जो क्लास होता है करोल बाग के अंदर दिल्ली में हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो हमारी है प्रशासनिक राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर करोल बाग में स्थापित किया गया है वहां पर आप एस करोगे हाँ जो भी जो वो तो सबके लिए है कि आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको हर जो है वीडियो के नीचे आप जाओगे वहां पर सारी चीजें मेंशन होती है कुछ थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ क्योंकि फौजियों के अंदर ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि आप जब चले जाते हो कहीं दूर दूर दराज जगहों पर तो आपको कोई सहायता देने के लिए नहीं आता है जरूरी नहीं है कि हर अर्जुन के लिए कोई ना कोई कृष्ण आए अब ये जो दूसरा युग चल रहा है यहां आपको अर्जुन भी आपको बनना पड़ेगा और कृष्ण भी आपको बनना पड़ेगा कोई आपको सलाह देने नहीं आएगा सलाह देने वाले भी आएंगे तो आपको ऐसा सलाह देंगे कि आप गड्ढे में गिर जाओ तो इसीलिए आपके पास ये चीज एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे अगर कोई जानकारी है तो मैं खुद से थोड़ी सी फाइंड आउट करूं बात बाकी आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हो जो कि सभी के लिए है आप वहां पर जाके और पूरा का पूरा देख सकते हो पूछ सकते हो जो भी जानकारी चाहिए उनसे रिलेटेड बात बाकी जो बच्चे मतलब ए, देखो ये तो दोनों चीजों के लिए है एनडीए और सीडीएस चाहे आप एनडीए में जाना चाहते हैं चाहे आप सीडीएस में जाना चाहते हैं आपका स्वागत है यहाँ पर ख्वाब जो है कि जो वर्दी का जो हनक है वो चाहिए तो आपका स्वागत है एनडीए सीडीएस में रजिस्ट्रेशन जो है नए अपकमिंग बैच के रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा कि क्या है कैसे है क्या क्या चीजें हैं क्या क्या बदलाव है क्या क्या चीजें हुई हैं और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इसके लिए बच्चों के जो आप सवाल होते हैं बेसिक में उन सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ कि आपके सवाल होंगे सर नया बैच कब आएगा आपके सवाल हो एस कब होगा आपका सवाल है मॉकटेस्ट कब उस सारी बातों के जवाब देते मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपका एक सवाल नहीं बचेगा दो जो 2024 का जो सेकंड पेपर होना है जैसे आपको पता है एक साल में दो पेपर होता है पहला पेपर होने जा रहा है जो कि अप्रैल के अंदर है और दूसरा सितंबर में होता है जिसके लिए समय बड़ा कम होता है इसीलिए बिना देर किए आपको लग जाना है अपनी पढ़ाई में क्योंकि तो याद रखना भले आपका सिलेक्शन हो बहुत सारे आपको पता भी होना चाहिए कि जब जब आप अ, सेलेक्ट होंगे उसके पहले पहले आप दूसरे वाले में भी नंबर लगा चुके होंगे ये दो ऑप्शन है कि आप एक तरीके से क्वालिफाई कर गए एस एस बी का जो एस एस बी भी दे दी इंतजार करता तो दूसरा आ रहा है आपका वो कुछ बच्चों के एस एस बी हुए नहीं रहते तब तो तक तो फॉर्म आ जाता है तो आपको इंतजार नहीं करना है क्योंकि आपको जैसे पता है कि सेकेंड बार जो पेपर होता है इसके अंदर आपको वक्त नहीं मिलता आपको समय नहीं मिलता है तो इसीलिए लग जाना है रजिस्ट्रेशन जो है इसका बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दो बच्चे हैं एक तो ऑनलाइन वाले हैं देखो ये जो जानकारी है ऑनलाइन के लिए है ऑनलाइन के लिए क्या करना है KGS का एप्लीकेशन एप्लीकेशन होना चाहिए KGS में जो आप आप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लोगे दूसरी बात बात रही अगर ऑफलाइन की तो जो बच्चे हैं ऑफलाइन की तैयारी करने वाले तो ऑफलाइन के लिए आप जो जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो ऑनलाइन भी पढ़ना चाहो तो भी मतलब हर तरीके से जो आपका मन है कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना उनका ऑनलाइन में मन नहीं लगता है वो लोग आने पर वो आपस में पार्टी लेना और पार्टी देना शुरू कर देते हैं तू भाई तू कब पार्टी दे रहा है तू कब पार्टी मैं कब दे रहा हूँ हॉस्टल के गेट पर आ जाओ यूनिवर्सिटी के गेट पर आ जाओ तो ये जो है ऑनलाइन में हो जाता है थोड़ा बहुत तो बढ़ के जो हमारे जितने भी बच्चे चाहते हैं कि ऑफलाइन जो हम पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन देहरादून है दून देहरादून वो क्या वादियां हैं वहां पर सर बताएंगे आपको देहरादून के बारे में सर थोड़ा बताओ देहरादून की स्थिति के बारे में आप तो भाई देहरादून जो आपके लिए सेंटर ओपन होने वाला है हमारा ओपन मतलब हो गया है क्लास शुरू होने वाली है ठीक है एनडीए ऑफलाइन और सीडीएस भी ऑफलाइन के लिए तो ठीक है तो बैच मतलब शुरू हो गया है मतलब uh, रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो आप जाकर इनरोल कर सकते हो और देहरादून के बारे में तो क्या ही बोलना ठीक है वो एक आ, ऐसा शहर है जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि क्या मतलब मजे हैं वहां पर ठीक है इवन आपको आई एम ए भी देखने को मिलेगा वहां पर और एकदम मस्त रंगीन सब कुछ। ग्रीनिस, ग्रीनिस सब कुछ कुछ ठीक है देखने को मिलेगा बगल में मसूरी भी है ठीक है वहां भी ले जाएंगे घुमाने के लिए चिंता मत करो ठीक है अच्छा बाकी कुछ अच्छा खास बच्चा खास नहीं है देहरादून में बेटा बहुत कुछ है देहरादून में ठीक है आई एम ए तो वही यार अब उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको ठीक है वहां जाओगे ठीक तो। है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आप इंक्वायरी नंबर पर फोन कर लीजिए ठीक है कॉल कर लीजिए ठीक है वहां से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी ठीक है हम्म और कोई क्वेश्चन आपका अभी ये आप कांटेक्ट नंबर पर बात कर लीजिएगा हमारी टीम से वो आपको बता देगी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया देहरादून में ऑफलाइन में एनडीए के लिए भी और सीडीएस के लिए भी क्लासेस का ठीक है तो आप वहां पर बात कर लीजिए नंबर पर आपको सारी कॉम्प्लेक्स इन वन क्लास है कॉम्प्लेक्स और मॉर्निंग हाँ, में जोग्राफी की क्लासी की क्लास भी होगी ठीक है तो शेड्यूल आपको चैनल पर आपको दिख जाएगा बाकी कम्युनिटी पोस्ट पर आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा एक वीक का फिलहाल कल के लिए मैं बता दूं कि अभी तो आपके पास अभी नहीं आया होगा तो मैं बता दूँ कल मेरी क्लास और जोग्राफी वाले सर की क्लास होगी ठीक है तो एक सुबह शायद नौ बजे क्लास है और मेरी दो बजे स्टार्ट होगी क्लास ठीक है हाँ तो एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में आपको आपको क्लास देखने को मिलेगी चलिए फिर चलिए सर और कुछ बताना है बच्चों को चलिए फिर ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको आ, स, आ, सर ने सब लोगों ने सर ने आपको प्रोवाइड कराई ठीक है नहीं एस एस बी ऑफलाइन होगा बेटा ऑफलाइन करोल बाग में आपको मिलेगा तो आप टी जो कॉन्टेक्ट नंबर है ठीक है इंक्वायरी नंबर पर उस पर फोन कर लीजिए बाकी सारी डिटेल आपको वहीं से मिल जाएगी ठीक है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहां पर सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी वहीं पर आप जाकर आ, टीम से हमारे बात कर सकते हो ठीक है फोन नंबर पर उसके बाद सारी आपको जानकारी दे दी जाएगी चलिए फिर सेशन को यहीं हम रोकते हैं तो कल से आप लग जाइए तो आइए सर लास्ट कुछ बता दीजिए बच्चों को और कल से लग जाओ एकदम एकदम दड़। ठीक है है मस्त अब बचा ही क्या है? सारी बातें तो आपको पता चल चुकी हैं और देहरादून के बारे में ज्यादा नहीं सर मैं सुनता हूँ सर कहते हैं कि इससे बड़ी बात क्या होगी कहते हैं कि सर मैं अपने जिंदगी का आखिरी समय मैं चाहता हूं कि देहरादून में ही गुजारूं कि जब मेरी आखिरी सांस चले तो वहीं पर मेरी सास खत्म हो तो देहरादून तो थोड़ा सा है ही जो एक अलग लेवल पर है और वहां पर आपको वो चीज़ फील होगा कि आप वहां पर जाओ और वहां पर जब देखोगे ना अपने जैसे जो जिस रूप में आप चाहते हो बनना उनको जब देखोगे तो अलग सा एक इंस्पिरेशन मिलेगा बाकी कल से कमर कस लेना है जितने भी बच्चे हैं कुछ दिन के लिए आप लोगों से आउट हो जाओ लोगों के रीच से बाहर चले जाओ कि कोई फोन भी करे तो ये कहे कि जिस व्यक्ति से आप कॉल कर रहे हैं वो एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त है ये एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लो घर वालों को बता दो कि एक तरीके से मैं जंग पर जा रहा हूं और मेरी जो पढ़ाई है वो इतने दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सारे जो भी डिस्टर्ब एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करो हटाओ दरकिनार कर दो और बस लग जाओ क्योंकि याद रखना हमेशा कि आखिर में जो होता है वही आपको रिजल्ट के रूप में दिखता है आखिर में आप जितनी आपकी संघर्ष की कहानी जितनी भी खतरनाक होगी क्योंकि देखो किसी से पूछोगे ना कि आ भाई आज जो भी सक्सेस आदमी है सक्सेसफुल पर्सन है तो बोले पहले मैं ये हुआ करता था वो हुआ करता आदमी को उस पर दिलचस्पी नहीं है दिलचस्पी है बाद में क्या हुआ क्लाइमेक्स सबको चाहिए और उसी चीज़ का क्लाइमेक्स अब शुरू हो गया है आपकी ज़िंदगी का क्लाइमेक्स शुरू हो गया है तो लग जाओ बढ़िया से आ, सर मैथ्स की जो क्लास है कल से ही आपको दिखने लगेगी ज्योग्राफी की भी क्लास दिखेगी और सर के तुरंत बाद मेरी क्लास आपको नजर आएगी और जितने बच्चे हैं आप जिस चीज के लिए एक चीज और भी है आपको जिस चीज में प्रॉब्लम आएगी तो आपका क्या है ना कि आप उस दिन कमेंट करके बताओगे कि सर हम नेक्स्ट क्लास में किस चीज की डिमांड करते हैं कि आपको डिमांड और सप्लाई जो है चलती रहे तो बस वही चीज है बिल्कुल तो हाँ होमोनिम होम सब 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 उसमें करा दिया जाएगा बढ़िया से आप लग जाइए और एकदम समझ लीजिए कि अब की बार आखिरी बार है और बढ़िया से आपको तैयारी करनी है तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में तो सर से मुलाकात होगी ही तो आज की जानकारी इतनी तक ही थी आपसे अलविदा होंगे तो मसला बढ़िया से पढ़ते रहिए गुड नाइट टेक केयर शुभराती सब्बक है